अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं कनीज़ फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे बादलों की गरज बरस से। ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होने वाले बारिशों के ताकतवर स्पेल से गवादर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। जीवनी, जलमक्सी, लोरालाई, हरनाई, ज्यारा, चमन समेत दीगर इलाकों में भी बरसात। नदी नालों में तुगयानी, रेलों से सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक शदीद मुतासर हुआ। ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल रही। तो आपको बताएं, ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होने वाले बारिशों के ताकतवर स्वेल से गवादर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मगरबी हवाओं के नए सिस्टम से बलूचिस्तान में बारिशों का ताकतवर स्पेल। गवादर में एक बार फिर बरसात, सैलाब की सूरत हाल, नशेबी इलाके रेलों की नजर। गवादर में 90 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। फाजिल चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। साहिल पर तेज हवाओं से कश्तियों को भी नुकसान। जीवानी, झलमक्सी, लोरालाई, हरनाई, ज्यारत, चमन में भी मौसलाधार बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। कल्लात, मस्तूंग, चागी, नौशकी, पशीन, किला सैफुल्ला, जोब और शेरानी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। हरनाई सिब्बी रेलवे ट्रैक स्पेन तंगी के करीब रेले से शदीद मुतासर। ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल।